मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, मैं मैक्स हॉस्पिटल पेटरगंज में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर किसी को एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर किसी को दौरा पड़ता है तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको अगर किसी चीज़ से चोट लग सकती है या इंजरी हो सकती है तो ऐसी जगह से पेशेंट को हटा दें। पेशेंट के सर के नीचे तकिया भी रख सकते हैं अगर उसको फ्लोर से चोट लगने की संभावना रहती है। उस टाइम पेशेंट को मुंह में कुछ भी ना दें, पानी या दवाई कुछ भी ना दें उस टाइम पेशेंट को। मुँह में कुछ हाथ डालने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जीभ ना कट जाए तो हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो पेशेंट की जीभ तो कटने से नहीं बचती, पेशेंट जो हाथ मुंह में डालते हैं उनकी भी उंगली उसमें कट सकती है। जब पेशेंट को झटके लगने रुक जाए तो उसको आप एक करवट पे कर दें ताकि जो मुँह में झाग बन रहे हैं वो बाहर की तरफ निकल जाए। पेशेंट को पूरे होश में आने के बाद ही जब पेशेंट उठ के बैठ जाए तभी कुछ आप उसको पानी या दवाई दें, उससे पहले उसे कुछ भी ना दें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दौरे के समय पेशेंट को होने वाली हानि से बचा सकते हैं। धन्यवाद।